Hey guys, welcome to Let's Study Together. Let's Study Together ये हमारी वेबसाइट है. यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया. पहले हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको कवर किया. आज हम कवर करेंगे नेशनल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर, JNK, नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. आज यही कवर करेंगे हम उत्तराखंड. और ये नेशनल पार्क बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका UPSC का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो. तो ये जरूरी है और इतना कुछ होता नहीं इनमें याद करने को. बेसिकली उनको हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो भी आपके काम का है उस हिसाब से मैं करवाता जाऊंगा. और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो जो ये मुहिम जो हमने चला रखी है वो हम आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएं. और आपका करंट अफेयर्स की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप. बैंक क्विज हैं, करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक GK है, इस वेबसाइट पर आइए. और जितने भी सारी आपके एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी. इसी के साथ साथ हम आपको यहाँ पे बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे. जैसे ये फ्री बुक हमने दी है पजलिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए. डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए. तो आगे चलते हैं हम नेशनल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर में. जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क्स कुछ 5 नेशनल पार्क है, 4 या 5 नेशनल पार्क है, उनके बारे में हम देख लेते हैं. जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क्स, अभी हम नेशनल पार्क्स ही कवर करेंगे. तो जो सबसे पहला नेशनल पार्क कवर करेंगे वो है डाचीगाम नेशनल पार्क. अब डाचीगाम नेशनल पार्क 1910 में पहली बार प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था, लेकिन इसको 1981 में नेशनल पार्क घोषित किया गया. कब? 1981 में. 1910 में तो इसे प्रोटेक्टेड एरिया बनाया और 1981 में इसे नेशनल पार्क बनाया. काफी फेमस नेशनल पार्क है. बेसिकली डाचीगाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10 गांव, 10 विलेजेस जब इस नेशनल पार्क को बनाया था तो 10 गांवों को हटा के बनाया था. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की बात है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड के बाद की बात है. 10 गांवों को, जैसे ये मान लीजिए गांव है, इनको हटा के यहाँ पे नेशनल पार्क बनाया गया था. बेसिकली सरबंद करके एक यहाँ पे झील बनाई गई थी. कौन सी? सरबंद करके एक यहाँ पे झील बनाई गई थी जो कि पानी सप्लाई करती है. बेसिकली यहाँ जो आसपास के जितने भी एरिया वहां पे पानी सप्लाई करती है नेशनल पार्क में. और ये जबरवान रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ये जो जबरवान की जो श्रृंखला है वहां, उसका पार्ट है वेस्टर्न हिमालयस में. दागवान नदी बहती है, बेसिकली मानसार लेक से जो निकलती है दागवान नदी बहती है यहाँ पे. और यहाँ पे कॉनिफोरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडो, वाटरफॉल, मतलब ये सारी चीजें मिलती. और जो ये फेमस है वो है कश्मीरी हंगुल के लिए. प्रोजेक्ट जो हंगुल चल रहा है कश्मीरी स्टैग को बचाने के लिए, इस पे LOC के बाद में भी एक दो नेशनल पार्क बनाए गए, उसके बाद भी ज्यादा काम किया गया. बेसिकली कश्मीरी हिरण को बचाने के लिए ये कश्मीरी हंगुल प्रोग्राम जो चल रहा है. आगे आते हैं हैमिश नेशनल पार्क. फोटो देख के आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है, कुछ ऐसा ही व्यू होता है वहां का. हैमिश नेशनल पार्क, हैमिश नेशनल पार्क को देखें तो ये ईस्टर्न लद्दाख में है. कहाँ है? ईस्टर्न लद्दाख में. और ये बेसिकली 1981 में कब बना? 1981 में इसको घोषित कर दिया गया. और यहां जो सबसे बड़ी जो फेमस चीज है वो है हैमिश मोनेस्ट्री. बुद्धिस्ट लोगों की हैमिश मोनेस्ट्री है जो कि काफी अंग्रेजों ने ढूंढी थी और कुछ काफी फेमस हुई थी उस दौरान. चांगथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे. चांगथांग, कौन सी है? चांगथांग, माफ कीजिएगा लिख थोड़ा सा सही नहीं आया. चांगथांग, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे. और ये काराकोरम जो रेंज है आपके, काराकोरम जो श्रृंखला है वहां पे पड़ती है. इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क. ये क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. इसके उत्तर से जो बहती है वो इंडस नदी बहती है, मतलब सिंधु नदी.
और यहाँ पे जो कुछ नदियां बहती है उनका नाम है मारखा, सुंधा, रंबक रिवर। अब देखो ये वाली जो चीजें हैं ये बाकी वनडे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी कर रहे हो आप तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये चीजें। नॉर्थ में बहती है इंडस नदी। इकोसिस्टम देखें तो यहाँ पे काराकोरम वेस्ट तिब्बतियन प्लेट्यू है, वही अल्पाइन, देखो यहाँ पे वही अल्पाइन वाले स्टीपी इको ग्रीन अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन श्रब, मीडो, बेसिकली सिल्क रूट ऑफ तिब्बत के जो बिल्कुल बीच में आता था। कहा यह जाता था कि तिब्बत वाले से जो सिल्क रूट जाता था तो यहाँ से होके जाता था, और यहाँ पे कुछ जनजातियां रहती थी वो यहाँ पे जो ऊंट मिलेंगे डबल वाले बेसिकली, वो वहां पे पैसे वैसे लेते थे ये करके। फेमस ये जो फेमस है बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड मिलता है। ये देखिए ये फोटो, सबसे ज्यादा डेंसिटी स्नो लेपर्ड की यहाँ पे है। बर्फ में रहने वाले चीता जो होते हैं, स्नो लेपर्ड जो व्हाइट वाला लेपर्ड होता है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। आगे चलते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किसकी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है? बेसिकली किश्तवाड़ नेशनल पार्क का एक पठार पे स्थित है, इसके ऊपर चेनाब नदी है, नीचे नागिनशीर ग्लेशियर है। चेनाब नदी इसके ऊपर है और नीचे कौन सा है? नागिनशीर ग्लेशियर। उत्तर के अंदर रिनाय नदी और साउथ के अंदर कीबर नाला, बेसिकली एक नाला है कैचमेंट एरिया जिसका पड़ता है, और ये इसमें इकोसिस्टम है ये बेसिकली, ये देख लेना आप और ये फोटो भी देख लेना। आगे आते हैं, और अभी कुछ देखो, अभी ये नेशनल पार्क, इनके अलावा एक दो नेशनल पार्क हो रहे हैं, जैसे कि सलीम अली नेशनल पार्क काफी फेमस है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क में आपको बता दूं ये भी 1986 में स्थापित हुआ, 1986 में स्थापित होता है, और वही यहाँ पे भी अल्पाइन फॉरेस्ट वगैरह ये सारे मिलते हैं। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है, वो है काजी नाग नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है काजी नाग नेशनल पार्क। कौन सा? वापस बता रहा हूं मैं आपको, काजी नाग नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये झेलम जो नदी है, झेलम नदी के उत्तर में, कहाँ है ये? झेलम नदी के उत्तर में ये नेशनल पार्क पड़ता है, एलओसी के पास पड़ता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि एग्जाम्स में आता है कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, तो आप कौन सा बताओगे? काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे आपको -20 डिग्री से +30 डिग्री तक का टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे मिलता है। सर्दियों में जो 20 डिग्री टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहीं गर्मियों में +30 तक ये चला जाता है। तो ये हुए हमें हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के नेशनल पार्क देख लेते हैं। काफी फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ मैं गया हुआ हूँ। ये बेसिकली रामपुर जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पड़ता है यहाँ पे पड़ता है, और ये 1936 में, याद कर लीजिएगा, भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क था। कहाँ का था? एशिया का पहला नेशनल पार्क था 1936 के अंदर, इसको घोषित कर दिया गया। यहाँ बोक्सास एक जनजाति रहती है, कौन सी रहती है? बोक्सास जनजाति रहती है। और ये जो नेशनल पार्क है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम 1936 में हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क। ये एक अंग्रेज थे, बोटनिस्ट थे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ के वो थे, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क भी किया गया, क्योंकि राम गंगा नदी इसके बीचों बीच से बहती है, राम गंगा नेशनल पार्क। और ये पहला नेशनल पार्क है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में आने वाला। और यहाँ पे जो घाटी है वो है पतली दून वैली, अपर गंगा का मोस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में घोषित किया गया। नंदा देवी की जो शिखर है वहां पे है,
यहाँ की एक जो नदी फेमस है वो है ऋषि गंगा, और बेसिकली ये नंदा देवी वैली ऑफ फ्लोवर्स मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लेशियर मिलेंगे, उत्तर ऋषि, दक्षिण ऋषि, रमाणी, त्रिशूल। त्रिशूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसा सुगम्य, एक बहुत ही अच्छा दिखता है ये, ऐसा फूल ही फूल। यहाँ पे एक छोटी सी झील, काफी अच्छा है। ये 1980 के अंदर घोषित किया गया नेशनल पार्क है, और ये बेसिकली जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच के अंदर है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, यदि यूपीएससी में पूछा जाता है तो ये। और पुष्पावती नदी यहाँ पे बहती है, और गोरी पर्वत यहाँ में सबसे ऊंची चोटी है। आगे आते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक तो यहाँ पे है हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। ये 1833 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, और इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर बना है। बेसिकली यहाँ पे स्क्रब लैंड, ग्रास लैंड, और ये सारी आपको यहाँ पे जो भी पक्षी है आपके, चीता, शेर, ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। आगे आते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। मैंने ये फोटो इसलिए लगाई है थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये यहाँ पे हर तरह के बायोम्स मिल जाते हैं, मतलब हर तरह का टेम्परेचर मिल जाएगा। ये सब ट्रॉपिकल गर्मी वाला मिल जाएगा, ऊंचाई वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पे पाइन, जो मतलब बर्फ वाला एरिया भी मिल जाएगा, ग्लेशियल भी है, लश ग्रीन मेडोज भी है, बड़े हरे भरे मैदान भी हैं। भागीरथी नदी यहाँ से बहती है, और ये चाइना से बॉर्डर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, क्यों? ये चाइना से बॉर्डर बनाता है। आगे आते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क फेमस है 1955 में, और देहरादून के पास पड़ता है। देहरादून से करीबन ये 180 किलोमीटर पड़ता है, गढ़वाल रीजन में है, और ऐसा कुछ है, बहुत ही सुगम्य दिखता है। यहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन है, यहाँ पे लीफ फॉरेस्ट, लोएस्ट एलिवेशन ट्रांजिशन टू सब अल्पाइन। तो ये हमारे नेशनल पार्क आज हमने करे, जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क करे, इसी के साथ साथ हमने किए उत्तराखंड के। तो इस वाली पार्ट टू के अंदर हम यही दो ही करेंगे। आगे वाली सीरीज के अंदर हम लेना चाहेंगे बेसिकली नॉर्थ को कवर करेंगे, तो हिमाचल को कवर कर देंगे, उत्तर प्रदेश को कवर कर देंगे, और हरियाणा को कवर कर देंगे। तो मैं ये बता दूं, ये वेबसाइट देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश सीखने के लिए भी मटेरियल है, यूपी पुलिस की भी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो जैसे भी आपको तैयारी करनी हो, जो भी चीज लेनी हो, यहाँ पे आपको बहुत ही या तो फ्री, नहीं तो यदि कुछ हमारे कॉस्ट लग रही होगी तो थोड़ा सा चलाने के लिए, कॉस्ट को वहन करने के लिए हम बहुत ही मिनिमम, क्योंकि यहाँ कमाई के लिए नहीं चल रहा है ये सब। ये एक मुहिम है दोस्तों, आप लोगों तक जो दूर दूर से आते हैं, तैयारी करते हैं अलग अलग जगहों पर जाके, इन सब तक एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। तो दोस्तों, इस मुहिम को सक्सेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा चैनल लगातार देखते रहिए। आगे मिलते हैं, और ये आपके नेशनल पार्क एक एग्जाम में नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सब में इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि आपको क्या चीजों की और जरूरत है, हम बिल्कुल आपको वो भी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।